मैंने अभी एक वीडियो डाली थी, आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे इसको, कि बॉलीवुड को जरा संभल करके रहना चाहिए। ये शुक्र जब नीच के हुए थे, मैंने तभी उसी समय ये वीडियो डाल दी थी, और इसके मैं आपको एक क्लिपिंग भी दिखा रही हूँ, तो आप इस क्लिपिंग को देखिए कि मैंने बिल्कुल बहुत खुले शब्दों में कहा था कि इंडस्ट्री के लोगों को जरा संभल कर रहने की जरूरत है, इंडस्ट्री क्षति की तरफ दिखा रही है। और बीच में देखिए आप कितना कुछ परेशानियां हुई है, बहुत सारे लॉसेस हुए, जीवन मरण वाली चीजें हो गई, नुकसान हुआ इंडस्ट्री का, क्योंकि शुक्र मीडिया के कारक कहे जाते हैं, शुक्र लग्जरीज के कारक भी होते हैं, बट इंडस्ट्री के कारक भी कहे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए। शुक्र की बात करते हैं कि शुक्र जब नीच के होते हैं, शुक्र आपके फेम, आपकी खुशियां, संपन्नता, आपकी लग्जरीज, बहुत सारी चीजों के कारक शुक्र होते हैं, इंडस्ट्री के कारक, फिल्म इंडस्ट्री के खास करके कारक होते हैं। ऐसे में शुक्र नीच का जब होने ही वाला होता है, उसका प्रभाव इनफैक्ट पहले ही शुरू हो जाता है। बहुत खास करके जो ऐसे लोग होते हैं, रंगारंग कार्यक्रमों के साथ जो जुड़े होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज के साथ जुड़े होते हैं, उनको खास करके ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है। पति 12-12 यानी 12 दिसंबर 1980 में जन्म लेने वाले सिद्धार्थ शुक्ला, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। इनकी कुंडली की जो राशि बनती है वो बनती है मकर राशि, और कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। गुरु की महादशा और राहु की अंतरदशा और शनि की प्रतंत्र दशा, शनि लग्नेश भी है और व्ययेश भी है, यानी व्यय लॉस के भाव के स्वामी भी है, उन्हीं की दशा चल रही है, और लग्न के स्वामी भी है, उन्हीं की दशा चल रही है। ये दशा जो है 25 10 2020 से शुरू हुई थी और 16 11 2021 तक चलने वाली थी। लग्न का स्वामी शनि जो प्रतंत्र दशा नाथ है और वै भाव के स्वामी भी है, यानी 12th हाउस के स्वामी भी है और लग्न के स्वामी भी है, वो है शनि। अपने से अष्टम महादशा नाथ गुरु के साथ लग्न से अष्टम भाव में, यानी अचानक सडन एक ऐसा सदमा एकदम से मिलना, सडन का भाव एक्टिवेट था। लग्न चरित्र की अगर हम बात करते हैं, तो लग्न के हिसाब से अगर हम शरीर के अंगों की बात करते हैं, तो अंगों को अगर हम देखते हैं तो चेस्ट भाव, यानी आपके हार्ट के आसपास का जो भाव होता है, उसका स्वामी शुक्र है। अपने से छठे भाव में रोग में है, लेकिन शुक्र नीच का चल रहा था, शुक्र नीच का निर्बल शुक्र जो है वो इनके चेस्ट और हार्ट के भाव के स्वामी बन रहे थे। शुक्र नीच के होने जो कि है वो 6 सितंबर तक नीच की अवस्था में रहने वाले हैं। नवमाशय की बात करते हैं, यानी डी नाइट के चार्ट की बात करते हैं, तो आपने ये वीडियो देखी, मैंने शुक्र की जो नीच अवस्था दी उस समय ही ये मैंने वीडियो बनाई थी, और मेरे यूट्यूब पर ये पूरी वीडियो भी है, सब राशियों के लिए भी थी, लेकिन उसमें मैंने जिक्र भी किया था, मैंने पूरी तरह से क्लियर बताया था कि मीडिया इंडस्ट्री को खास करके बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। और देखिए आज हमारे बीच में बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत ही जाना माना चेहरा, बहुत प्यारा सभ्य, बहुत ही अच्छा व्यक्ति, नेक दिल इंसान, और बहुत रिचुअल्स को बहुत फॉलो करने वाला व्यक्ति था ये। चलिए अब हम तो यही कह सकते हैं कि आप पूरे परिवार को बहुत बहुत हिम्मत दें, क्योंकि उनकी माता के लिए बहुत बड़े सदमे की बात है, उनका सहारा थे। और जब घर के अंदर कोई और मेल पर्सन नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, खास करके उन लेडीज़ के लिए जिनका दरोमदार किसी खास एक बच्चे पर होता है। ऊपर वाला उनको बहुत शक्ति दे, बहुत हिम्मत दे इस दुख की घड़ी से निकलने की, क्योंकि मुझे मालूम है ये निकलना आसान नहीं है, ये कहना आसान होता है, हम कह सकते हैं सिर्फ, लेकिन जो इस समय फेस कर रहे हैं वो सिचुएशन को, विच इज नॉट इजी, वेरी वेरी टफ, पूरा परिवार बहुत सदमे है, इनफैक्ट उनके फैंस बहुत सदमे हैं, जो उनको दूर से जानते हैं वो अगर इतने निराश है इस समय, तो उनके परिवार की क्या हालत होगी। डी नाइन के चार्ट की बात करते हैं, जो नवमाशा यानी वर्गा चार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो मंगल चेस्ट के भाव के स्वामी है, और दृष्टि के हिसाब से अगर हम देखें तो महादशानाथ गुरु और प्रतंत्र दशानाथ शनि को दृष्टि दे रहे हैं, और शनि आपको मैंने पहले ही बताया था कि वह भाव के स्वामी है,
अष्टम यानी अचानक सडन के साथ उसका संबंध बन रहा है, और चेस्ट के हिस्से के जो स्वामी है वो भी इसके साथ एक अष्टम भाव में एक भूमिका अच्छी नहीं निभा रहे थे, यानी ग्रहों की दृष्टि जो है वो इनको फेवर नहीं कर रही थी। बात छोटी सी हुई लेकिन जान से हाथ गया। गोचर की बात करते हैं तो गोचर के शनि जो कि परतंत्र दशानाथ है वो वै भाव में है, यानी ट्वेल्थ हाउस में शनि बैठे हैं, वै हाउस में शनि बैठे हैं। लेकिन इस समय गोचर की बात करते हैं तो गोचर के शनि परतंत्र दशा वो ट्वेल्थ हाउस में है, तो लॉस को इंडिकेशन तो वो भी दे रहे हैं, जबकि शनि लंबी बीमारियों के कारक भी होते हैं। बट इनका जो अष्टम भाव अचानक वाला था वो ज्यादा एक्टिवेट था रादर देन वै हाउस, यानी लॉस तो हुआ बट अचानक सडन बीमार नहीं पड़े, लंबी बीमारी नहीं खींची। और नीच के शुक्र अष्टम भाव में है जो कि चेस्ट भाव के स्वामी है और लग्न से अष्टम में है, जो कुल मिलाकर के जो सिचुएशन हम देख रहे हैं ग्रहों की सिचुएशन बिल्कुल इनको फेवरेबल नहीं थी। इनको चेस्ट को लेकर के कंजेशन वगैरह रहती थी, बट इन्होंने शायद मुझे लगता है कि किसी से भी कुछ शेयर नहीं किया था। कई बार हम लोग दिल के अंदर कुछ बातें रख लेते, लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आजकल रहते हैं, बहुत ज्यादा उनको जल्दी कुछ बनने के लिए रहते हैं, और अगर बन जाते हैं तो और बहुत जल्दी कुछ पाना चाहते हैं। प्लीज आप अपनी फैमिली के साथ कुछ चीजें जरूर शेयर किया करो, क्योंकि दिल के अंदर जब बहुत सारी चीजें रहती हैं वो आपके लिए एक बीमारी का कारक बन जाती है। तो डिप्रेशन नहीं, आप थोड़ा सा सिंसियरली अपनी मेहनत की तरफ ध्यान दीजिएगा, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। परिवार का साथ आपके साथ अगर है तो आप बड़ी सी बड़ी चुनौती को हरा सकते हैं, बड़ी सी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपने परिवार के साथ ही कुछ चीजें साझा करें। हो सकता है बाहर वाले से आपको खतरा महसूस हो सकता है, लेकिन आपके घर के सदस्य कभी आपके लिए खतरा नहीं बन सकते हैं। तो सिद्धार्थ शुक्ला जो हमारे जानी मानी टीवी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे, बहुत ही बुलंदियों को छूने वाले चेहरे, आज हमारे बीच में नहीं है। ऊपर वाला उन्हें बहुत ही शांति और सुकून दे, उनकी आत्मा को शांति सुकून दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से निकलने की बहुत 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 हिम्मत दे। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि सिद्धार्थ शुक्ला को, प्रणाम।